सीबीएसई बोर्ड ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट अनाउंस किए। इसी अंतर्गत आज आइए हम आपको जोड़ते हैं आलोक पाठक जिसे, जिन्होंने पीस कॉटेज स्कूल से 92.4% लाकर अपना परचम लहराया है विद्यालय में। आपको बताएं कि आप राजू पाठक जी के पुत्र हैं, क्या कहेंगे जो आपका इतना परसेंट आया, इसका श्रेय आप मुख्य रूप से किसे देना चाहेंगे? सर, इसका श्रेय हम अपने जो टीचर हैं उनको और मेरे पापा जो हैं उनको देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, लेकिन जो मेरे पापा मुझसे एक उम्मीद किए थे उसी की वजह से हम इतना ला पाए हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के, जैसे नितेश सर हो गए इंग्लिश पढ़ाते हैं, सतीश पांडे सर और हो गए, या शिवचंद उपाध्याय सर, चंद्रप्रकाश सर, ये सब बहुत ही हमको अच्छे से पढ़ाए थे। और जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं नीरज कुमार दुबे सर, सब उनका भी एकदम अच्छा सहयोग रहा है हमारे प्रति। बोर्ड के एग्जाम को लेकर कब से तैयारियां आपने शुरू की, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर, बोर्ड की एग्जाम तैयारी तो शुरुआती दिन में हमने थोड़ा हल्के में लिया था, लेकिन जब बाद में पता चला तो हम उस दिन जुलाई से तैयारी में लग गए थे। और बीच में से थोड़ा दिक्कत आया था, एक दो महीने में स्कूल नहीं अटेंड कर पाए थे, लेकिन उसके बाद हमने दिन में चार पांच घंटे पढ़ के और उसके बाद तैयारी की बोर्ड की। कौन सा विषय आपका पसंदीदा विषय रहा, किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट होता था आपको? सर, हमारा ज्यादा पसंदीदा विषय था मैथ, जो सतीश पांडे सर पढ़ाते थे, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट था हम लोग का, और उसमें 91 नंबर आया मेरा आउट ऑफ 100। और कितने विषयों में 90 के ऊपर है आपका? सर, हमारा एक विषय है जो कि वो इंग्लिश है, नितेश सर पढ़ाते हैं, उनके में 91 है, और जो शिवचंद उपाध्याय पढ़ाते हैं सर सोशल साइंस, उसमें 95 है। अभी आपका भविष्य में अब क्या प्लान है, क्या बना, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? सर, हम अभी मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसलिए हम स्ट्रीम पीसीबी सिलेक्ट किए हैं। आगे जाके हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमको एक बढ़िया कॉलेज मिल सके। तो अभी से नीट की तैयारी करेंगे कि पहले बीएससी करके तब? नहीं सर, हम अभी से नीट की तैयारी चालू कर दिए हैं, क्योंकि 11-12 का सिलेबस नीट में आता है, तो हम इसीलिए तैयारी चालू किए पहले से अपना। आलोक पाठक की बहन है श्रद्धा पाठक, आइए उनसे जोड़ते हैं। कैसा लग रहा है आपके भाई ने स्कूल में टॉप किया है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई ने इतना अच्छा परसेंट लाया, मुझे भी खुद प्राउड फील हुआ। और मेरा भी सपना था कि मैं 10th में 90% क्रॉस करूं या फिर 90 रहे, लेकिन मैं 88 ला पाई, और इस बार मैं चाहूंगी कि 12th में मेरा भी 90% आए।